नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और हिंदी रिव्यू में। आज हम रिव्यू करने वाले हैं फिल्म मोतीचूर चकनाचूर को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये फिल्म पुष्पेंद्र और एनी के बारे में है। पुष्पेंद्र एक 36 साल के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं दुबई में और उनको शादी करनी है, और एनी या अनीता जो है एक युविका है जिनको शादी करनी है ताकि वो विदेश जाके अपनी फोटोज अपलोड कर सके ऑनलाइन। तो दोस्तों पुष्पेंद्र का रोल नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने निभाया है और एनी या अनीता का रोल अतिया शेट्टी ने निभाया है। दोनों ने दोस्तों काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी है और इसके अलावा काफ़ी सारे सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं जिनकी एक्टिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। दोस्तों मेरे हिसाब से इस फिल्म की सबसे बड़ी कमी इसकी राइटिंग है। काफ़ी जगह मेरे को ऐसा लगा कि फिल्म और ज़्यादा टाइट हो सकती थी या राइटिंग और बढ़िया हो सकती थी। दोस्तों जो लीड पेयर है तो उनके बीच में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, भले वो हाइट डिफरेंस हो या फिर उनकी पर्सनैलिटी का डिफरेंस हो, और मेरे को ऐसा लगा कि ये जो डिफरेंसेस थे इनको काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता था, पर वो एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। नवाजुद्दीन की जो एक्टिंग है वो इतनी बढ़िया है कि नवाजुद्दीन लगता है कि वो उसी दुनिया का एक हिस्सा है। और दोस्तों जो एनी की एक्टिंग है वो मेरे को ऐसा लगा कि थोड़ा सा इस दुनिया से बाहर है और जो इस फिल्म की दुनिया है उसमें फिट करने के थोड़ा और बढ़िया की जा सकती थी। दोस्तों इस फिल्म में काफ़ी जगह जोक्स और कॉमेडी का भी इस्तेमाल किया गया है, पर एक प्रॉपर स्क्रिप्ट के ना होने के कारण ये जोक्स जो हैं अधूरे लगते हैं और मेरे हिसाब से और बढ़िया से किए जा सकते थे अगर एक प्रॉपर स्क्रिप्ट रहती तो। चलिए दोस्तों आ जाते हैं रेटिंग्स पे। तो इस फिल्म की एक्टिंग के लिए, नवाज की परफॉर्मेंस और बाकी एक्टर्स की शानदार परफॉर्मेंस के लिए मैं इसको दूंगा 5 में से 3.5 स्टार। इस फिल्म के डायरेक्शन के लिए मैं दूंगा इसको 5 में से 3 स्टार, और दोस्तों इस फिल्म की राइटिंग के लिए मैं इसको दूंगा 5 में से 2 स्टार। ओवरऑल दोस्तों मैं इसको दूंगा 5 में से 3.5 स्टार। और दोस्तों मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये रहेगा कि आप ये फिल्म जाके ज़रूर देख के आइए, पर मेरे हिसाब से ये फिल्म जो है वो सिर्फ एक वन टाइम वॉच है। आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं क्योंकि फैमिली फ्रेंडली मूवी है, तो ऐसा कुछ है नहीं कि आप नहीं देख सकते बच्चों के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ, पर मेरे हिसाब से एक बार ज़्यादा आप नहीं देख पाएंगे। मैं दोस्तों सजेस्ट करूँगा कि आप वेट करें जब ये फिल्म नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम पर आए, तब जाके आप ये फिल्म देखें, क्योंकि काफ़ी जगह काफ़ी थिएटर्स में ये फिल्म नहीं लगी है। मेरे घर के आसपास जो थिएटर्स हैं वहाँ पे बाला और अन्य फिल्में लगी हैं, पर ये फिल्म नहीं लगी थी और इस फिल्म को देखने के लिए मुझे काफ़ी दूर जाना पड़ा। तो अगर आपके लिए कन्वीनियंट है तो आप ज़रूर जाइए देख के आइए, वरना आप घर पर वेट करिए, ऐसा कुछ है नहीं कि आप मिस आउट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों ये हमारा आज का रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगी या बुरी लगी। दोस्तों अगर आपको और फिल्म रिव्यूज़ देखने हैं या फिल्म की डिबेट देखनी है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मेरे मित्र हर्ष और श्रेयस ने अभी फोर्ड वर्सेस फरारी का एक रिव्यू किया है, उनका जो शो है गुड बाय फिल्मी में, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। और दोस्तों हमारा एक पॉडकास्ट है फिल्म फ्यूड पॉडकास्ट जो हर मंडे को आता है। तो दोस्तों अगर आप पॉडकास्ट सुनते हैं, अगर आप फिल्मों के बारे में जानना चाहते हैं या फिल्मों की डिबेट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारा फिल्म पॉडकास्ट फिल्म फ्यूड ज़रूर सुनिए। चलिए दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, आप स्वस्थ रहे, मैं आपको मिलूँगा अगली बार।